हरदा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भवानी कुंज कॉलोनी के पास जल संसाधन विभाग की जमीन पर 20 से 25 महिलाएं अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाने को एकत्रित हुई। वहीं कॉलोनी वासियों ने महिलाओं को अतिक्रमण करने से रोका। कॉलोनी वासियों और अतिक्रमण कर रही महिलाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों को सूचना दी। जानकारी लगते ही तहसीलदार धर्मन चौक से सहित जल संसाधन विभाग SDO मधुमन उमलिया सहित सिविल लाइन थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जब मीडिया द्वारा कॉलोनी वासियों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हम लाखों रुपए खर्च कर कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी के सामने कुछ महिलाएं अतिक्रमण कर झोपड़ी बना रही हैं। हम उन्हें रोक रहे हैं तो वह विवाद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां अतिक्रमण करने से कॉलोनी में असामाजिक तत्व का माहौल बना रहेगा। उन्होंने तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर नहर की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। इधर अतिक्रमण कर रही महिलाओं ने दिए बयान में कहा कि उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन द्वारा उनको ना तो पट्टा दिया गया है, न ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कई बार कलेक्टर ऑफिस और नगरपालिका को आवेदन दिया, इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा उन्हें रहने की व्यवस्था की जाए तो उन्हें अतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस दौरान तहसीलदार धर्मन चौकसे ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं। जब थाना प्रभारी राजेश साहू ने महिलाओं को अतिक्रमण रोकने सख्ती से कहा तब महिलाएं वहां से चली गई। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं आड़ागोया। आज यहाँ मतलब आए हैं, आप कैसे बैठे हैं, क्या कारण है यहाँ पे नहर विभाग की जमीन पे? हमारे पास जमीन नहीं है, जगह रहने के लिए। अच्छा, कब से ये समस्या आपकी बनी हुई है? दिन से है। तो साल से हरदा में ही रह रहे हैं, है ना? वार्ड में रह रहे हैं। अब हम तो किसान के खेत में रह रहे भैया, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके घर काम कर रहे हैं उसके घर ही रह रहे हैं। जो रहने की आपकी समस्या है, हाँ, तो आपने जिला प्रशासन से पूर्व में पहले कुछ मांग की गई है कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है? हमने तो बहुत मांग की है, आवेदन भी लगाए, पर हमारी गरीब की कोई सुनने ही नहीं चाहे। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने आवेदन और निवेदन किए हैं? हमने तो नगर पालिका में भी, झुग्गी झोपड़ी में भी कर दिए थे, और ये आवास योजना में भी करी थी मैंने। तो हमारा नाम ही नहीं आया। क्या कहना रहता है अधिकारी लोगों का? कुछ सुनते ही नहीं, क्या कहेंगे? और मैंने तो भैया जगह भी ले ली थी, सही बताऊँ तुमको, तो जगह वाला ने भी है नहीं, हमारा प्लाट दूसरा का बेच दिया। अच्छा, ये समस्या आप लोगों को कब से बनी हुई? जो रहने की जो समस्या है आपने सरकार से कई बार मांग की है, बहुत दिन से बनी। बहुत दिन से, हाँ। आप क्या चाहते हैं? झुग्गी झोपड़ी का चाहिए। अगर आपको, अगर झुग्गी झोपड़ी या सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? नहर पर बांधेंगे, जहाँ भी जगह मिल जाएगी वहाँ बांधेंगे, यहाँ मिल रही है बांधेंगे। बबीता राठौर भवानी कुंज में रहती हूँ। सर, यहाँ कल से महिलाएं आके उल्टी सीधी गाली गलौज कर रही हैं और यहाँ पर कब्जा करने की बात कर रही हैं, और हम गरीब लोग हैं, यदि कब्जा ही करना है तो हम भी कर लेते हैं। हम लोन क्यों उठा के और क्यों यहाँ पर किस्त भर रहे हैं, मतलब मजदूरी कर रहे और किस्त भर रहे हैं? हमें भी कब्जा करने का अधिकार है, पहला कब्जा तो हम करेंगे यहाँ पर। फिर नहीं, अगर ऐसा ही था तो हम लोन क्यों लेते हैं? क्यों परेशान क्यों होते हैं? इतने पैसे हम किराए के मकान क्यों बोलते हैं? तो बोले हमारे पास घर नहीं है, तो हमारे पास भी, हम भी किराए के मकान में से आए हैं, सबके घर है। बस इतना है, नहीं इतना है कि इनको यहाँ से हटा दो बस। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है यहाँ पर। अगर ये ऐसे रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कल सिंचाई विभाग के साहब ने बताया था कि मेरी जो सिंचाई विभाग के नाम से जमीन है उस पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मौका देखने में आज आया हूं, अभी अतिक्रमण नहीं है, और इनको चर्चा के लिए अभी आधे घंटे बाद SDO मैडम ने बुलाया है। हर कहीं उनको अगर आवासहीन है तो उचित कार्रवाई वो करेंगे। तो सर, ये जो लोग आए हुए हैं इनके पास आवास है या नहीं पहले से? अभी इन्होंने बताया इनके पास, जैसे पटवारी बता रहा, आवास है। ये लोग यहीं के रहने वाले हैं? अब ये जानकारी नहीं है इनसे, अभी तक पूछा नहीं किया कहाँ के रहने वाले हैं। ये अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं इनको, ये कब्जा फलपूर्वक हटाया जाएगा इनको। अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन है। सर, ये विभाग कौन से विभाग की जमीन है? ये सिंचाई विभाग की जमीन है, नहर की जमीन है। तो इससे पूर्व में कहीं कब्जा करा है द्वारा? अभी इनसे भी चर्चा कर रहे हैं, इनके पास आवासहीन है क्या है पूरी स्थिति, पर उनको अगर आवासहीन हुए हैं तो इनको योजना अनुसार कहीं बसाया जाएगा। ये क्या, मैं योगेंद्र कुमार साकल्ले, ये भवानी कॉलोनी का निवासी हूँ। ये जो नहर विभाग की जमीन हमारे बाजू से लगी हुई है,
इस पे ही अतिक्रमण करके नेताओं का नाम लेके कोई पटेल का नाम लेता है, पटेल जी का, कोई बोलता है कमड़े जी ने भेजा है, कोई बोलता है पार्षद ने भेजा है, और आके यहाँ कब्जा करने के लिए दो दिन से कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने नहर विभाग के एडीओ साहब को बुला के इनको शाम तक यहाँ से हटवाया था, आज सुबह से फिर आके फिर बैठ गए। अब इनके से पूरी कॉलोनी में भय का माहौल है। अब हमने लाखों रुपए खर्च करके अपना पेट काट काट के मकान बनाए, अगर ऐसे कब्जा करना होता तो फिर हम भी कहीं नहीं करते। और बाद अगर कब्जा कराने की है, नहर विभाग या प्रशासन कोई भी नेता अगर कब्जा कराना है तो फिर कब्जा करने का हक तो पहला हमारा बनता है। तो अगर कब्जा अगर कराना ही होगा तो फिर कब्जा हम करेंगे, क्योंकि हमने लाखों रुपये खर्च करके यहाँ मकान बनाए। और अगर ऐसे कब्जा करना होता तो फिर हमको भी कहने के दे दो, फिर हम भी लेंगे जाऊंगा। फिर हमने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बैंक का लोन चल रहा है, हर महीने किस्त भर रहे हैं, उसके बाद अगर ये समस्या हमारे साथ रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, इस संबंध में अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी एडीओ साहब से कल बात हुई थी, आज भी आए, उन्होंने FIR दी थी, तो उन्होंने SP साहब को और सिविल लाइन थाने को दी है यहाँ पे। और आज हमने हमारा अपना भी आवेदन बनाया पटेल साहब के नाम पे, आज हम भी वो आगे आएंगे हरदा, तो हम भी आज उनको देंगे। पता चला कि आज हरदा आ रहे हैं वो, तो हम भी आज उनको देंगे। अब एक कॉलोनी में सारे लोग अगर इस तरह से बेचारे परेशान होंगे, हमने नौकरी धंधा काम छोड़ के, आज कुछ लोग भैया कुछ काम करते हैं, कुछ खुला काम करते हैं, कोई नौकरी कर रहा, आज ये सारे लोग जो खड़े हैं, महिलाएं जो खड़े अपने घर का काम बच्चे सब छोड़ के यहाँ खड़ी, हम रोज का ये करते रहेंगे। हमने इसलिए पैसा खर्च करके मकान बनाए हैं। ये महिलाएं कब से आके बैठी हैं? ये महिलाएं कल सुबह 11 बजे से, ये शाम को 7 बजे वापस चली गई थी, आज को फिर आगे 8-9 बजे से। और ये इनके उनको समझाने जाओ तो ये गाले वक्त है। अब महिलाओं से अगर हमको अवरता हो जाए, कुछ हो जाए, तो प्रशासन भी खड़ा हो जाएगा, पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, हमको उठा के थाने कर देंगे, तो हमारी तो मरण ही हो गए ना। तो हम जाएं तो हम कहाँ जाएं? और सरकार अगर उनको जगह देना, हम विरोध नहीं कर रहे हैं उनका, जगह देना सरकार के, और की जगह देना प्रशासन, और की जगह दे उनको देना, जहाँ हमको वो जगह पड़ी शहर में खाली मात दें वो। तो क्या नाम लिखते सर आप? मैं मधुबन उर्मलिया, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग की मरनी। सर ये जमीन का क्या मामला है? ये नहर विभाग की ज़मीन है जी, और इसमें कुछ महिलाएं आई हैं अतिक्रमण करने के लिए, क्या है ये मामला पूरा बताएं। जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से और नहर विभाग की ज़मीन में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से यहाँ ये आए हुए हैं, और हम लोग को धमका करके और कब्जा करना चाहते हैं। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएंगी अगर ये लोग कब्जा करते हैं तो? पुलिस थाने को मैंने रिपोर्ट डाली है जी, थाना सिविल लाइन केड़ी महमूदाबाद जी, और अपने उच्च अधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि दी है, और मैं स्वयं मौके पर उपस्थित हूँ, तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं और TI साहब भी आ रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं हो सके। अच्छा, इन महिलाओं को क्या कहना है? आपसे कोई चर्चा हुई होगी? उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, जो चर्चा की आपके सामने की है कि हम यहाँ कब्जा करके रहेंगे। पूर्व में नहर पर कब्जा करा हुआ है, तो क्या है वो कारण उनका? कहाँ पर? पुलिस लाइन से आगे जो नहर के विभाग की ज़मीन है, उसको पूरे पर कब्जा कर रखा है। पूरे पर नहीं, एक झोपड़ी बनी हुई है, जिनको धारा 94 का नोटिस दिया जा चुका है, उस पर कार्यवाही जारी है। देखा जाए तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर यहाँ तक का जो नहर का एरिया है, उसे पूरे पर मकान बने हुए हैं, कब्जा किया हुआ है जी। हाँ, सभी को नोटिस दिए जा चुके हैं और सभी को कानूनी कार्रवाई सभी के ऊपर। अभी आपके द्वारा बोला गया था कि एक को नोटिस दिया गया है, वो बाकी लोगों को नहीं देखा। आपने अभी यहाँ का बोला, आपने पूरी बात अपनी रखी कि ये पॉलिटेक्निक के कॉलेज के पास से जी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा और आगे आपकी बात में जोड़ते हुए कि नहर में कहीं भी जो कोई कब्जा जहाँ करने कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है हमारे द्वारा, और जिन्हें रात बिरात अंधेरे में मौके फायदा उठा कब्जा करने की कोशिश की है, उनको धारा 94 का नोटिस दिया जाकर और उसमें कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया चालू कर दी गई है और चालू जारी है। नहर विभाग की जमीन कितने फुट है नहर से छोड़ के? हर जगह नहर की लंबाई चौड़ाई और दूरी और उसके क्षमता के हिसाब से अलग अलग है। क्या मापदंड है नहर का? कैसा मापदंड जानना चाहते हैं? कितनी चौड़ाई है फिलहाल में यहाँ पे कितनी चौड़ाई पे है नहर पे? यहाँ मौके पर जी हाँ, जहाँ मौके पर आप खड़े हैं, यहाँ हमारे नहर के केंद्र से 70 फुट बाएँ 70 फुट दाएँ भूमि अर्जित है, जो कि जल संसाधन विभाग के अधिपत्य की भूमि है। तो क्या अभी फिलहाल में जो मौके मायने खड़े हैं आप, तो नहर से क्या 70 फुट ज़मीन है ये? जी जी, ये ज़मीन 70 फुट है और इसको नापी जा चुकी है, इसको राजस्व विभाग के पटवारी RI और तहसीलदार साहब भी नाप चुके हैं और ये 70 फुट है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।